आपको बताऊंगी कैसे आपको रोज रात को सोने से पहले अपनी स्किन को पैम्पर करना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए, ताकि जब आप सो के उठे तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट लगे, बहुत ही गॉर्जियस लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगे और आप बहुत ही हैंडसम लगे। गाइस, गर्ल्स के लिए मैं ऑलरेडी बहुत कुछ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारी होम रेमेडीज, DIY, हेयर केयर, स्किन केयर, बहुत सारी वीडियोस मैं गर्ल्स के लिए शेयर कर चुकी हूँ। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो बॉयज भी हैं, तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं बताते हैं। तो आज का वीडियो मेरा स्पेशली बॉयज के लिए होने वाला है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे अपनी स्किन को पैम्पर करना है अगले दिन के लिए, कैसे आपको अपने पिंपल, रिंकल, एक्ने, फाइन लाइंस, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन को खुद से दूर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉयज, रोज रात को सोने से पहले आपको अपनी स्किन को देना है CTM। अब आप पूछेंगे कि CTM क्या है, तो गाइस CTM है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आपको ओनली 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन करना है, उसके लिए आपको यूज करना है फेस वॉश। जब भी आप ऑफिस, कॉलेज या कहीं भी जाते हैं और फिर शाम को घर आते हैं, तो आपके फेस पे ढेर सारा धूल जमा हो जाता है, डर्ट जमा हो जाता है, पॉल्यूशन जमा हो जाता है, बहुत सारी गंदगी आपके फेस पे आ जाती है जो आपको नहीं दिखाई देती है। और गाइस इसी वजह से आपकी स्किन पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो क्लॉक हो जाते हैं और आपकी स्किन ब्रीद नहीं कर पाती है, जिससे आपको पिंपल्स, रिंकल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको उसको रिमूव करना है। तो गाइस रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले करना है फेस वॉश। गाइस यहाँ पे आप कोई सा भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आप यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं निविया का फेस वॉश यूज कर रही हूँ और गाइस ये मेरे भाई का फेस वॉश है जिसको मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ अपने फेस पे। लाइफ में मैंने पहली बार बॉयज का फेस वॉश यूज किया है, तो गाइस इसके लिए 1 लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस फेस वॉश करने के लिए सबसे पहले आपने अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, देन आपको अपने फेस पे अपना फेस वॉश अप्लाई करना है और उसके बाद आपको 2 to 3 मिनट अपने फेस को जेंटली मसाज करना है। गाइस आपको अपने पूरे फेस को अच्छे से मसाज करना है, नोज एरिया हो गया, चिक एरिया हो गया, चिन एरिया हो गया या फिर आपको फोरहेड हो गया, पूरे फेस पे आपको अच्छे से मसाज करना है ताकि जो भी डर्ट आपके फेस पे लग गया है वो सारा रिमूव हो जाए। और गाइस 2 से 3 मिनट फेस वॉश करने के बाद आपने अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। दैट्स इट गाइस, यहाँ पे आपका 1 स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और फेस वॉश करने के बाद आपने ना अपने फेस को रगड़ रगड़ के नहीं वाइप करना है, आपने हल्के से पैड ड्राई करना है एक टॉवल की हेल्प से। गाइस फेस के लिए आपका एक अलग टॉवल होना चाहिए एंड गाइस अगर आपको पिंपल वगैरह हैं तो डेफिनेटली अपना टॉवल अलग ही रखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप हमारा है टोनिंग। गाइस अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको टोनर यूज नहीं करना है, ये बात आपको याद रखनी है। एंड गाइस अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको टोनर यूज करना है। तो गाइस टोनर यूज करने के लिए आपको सिंपली से टोनर लेना है। टोनर के लिए आप रोज वाटर का यूज कर सकते हैं, रोज वाटर बहुत ही अच्छा टोनर मुझे लगता है, और अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो आप किसी और टोनर का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको टोनर अपने पाम में लेना है, रब करना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट। एंड गाइस अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको टोनर का यूज कभी भी नहीं करना है, क्योंकि टोनर आपकी स्किन को और भी ड्राई कर देता है। तो इसीलिए प्लीज अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप टोनर का यूज ना करें, उसकी जगह आप पतंजलि का जो एलोवेरा जेल होता है या फिर किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। टोनर यूज करने के बाद आपको अपने फेस को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, देन आपको कंप्लीट करना है अपना 3rd स्टेप जो है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना। गाइस मॉइस्चराइजर यूज करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको मॉइस्चराइजर लेना है और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। गाइस मैं आपको बोलूंगी जब भी आप फेस पे कुछ भी लगा रहे हैं तो अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फेस के साथ अपने नेक पे भी सब कुछ अप्लाई करें जो आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड गाइस मॉइस्चराइजर के लिए आपको अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। एंड गाइस फेस पे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद लिप्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपने लिप्स पे आपको लगानी है लिप बाम और उसके बाद आपका नाइट स्किन केयर रूटीन कंप्लीट होता है। एंड गाइस अगर आप 7 डेज भी
ये वाला रूटीन फॉलो कर लेते हैं ना, आप डिफरेंस देख पाएंगे पहले आपकी स्किन क्या थी और अब आपकी स्किन क्या होने लगी है। गाइस ट्रस्ट में, इतना सा करने से ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत शाइनी हो जाएगी और आपको खुद में ही काफ़ी अच्छा फील होगा कि हाँ आपकी स्किन अच्छी होने लगी है। तो गाइस ये था सिंपल सा इजी सा नाइट स्किन केयर रूटीन, आई होप आप इसे इजीली फॉलो कर पाएंगे। मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं बताया है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं तो आप भी इसको फॉलो कर सकती हैं, बस आपको प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली आप इसे फॉलो कर सकती हैं। गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।